अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स और आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदी। आज मैं बनाने जा रही हूँ भाजी। ये भाजी सोया की भाजी है, बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाती है ठंडी में। देखिए ये भाजी जो फ्लेवर जो आती है बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी आती है। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो ये हैं। ये हाफ के जी आलू है जिसे मैंने ऐसे कट कर लिया है इस तरह से, और ये 3 मीडियम साइज़ का प्याज है, और ये सोया है जिसे मैंने 1 कप सोया है जिसे मैंने इस तरह से कट कर दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये 3 हरी मिर्च है, ये 4 लाल मिर्च है कम तीखी वाली है, ये पचफोरन है, 5 तरह के पचफोरन मिलते हैं। ये 2 पिंच हल्दी है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 पिंच हल्दी है। ये नमक है टेस्ट के हिसाब से, और ये है सबसे टेस्टी चीज़ लहसुन, जिसे मैंने कूट लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में, ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है। इसकी जो टेस्ट आएगी भाजी के साथ बहुत ही अच्छी आएगी, और ये कम से कम बड़ी वाली गाठी जो होती है वो 1 है, 1 अदद है, और छोटी लेना होगा छोटी टुकड़े में लहसुन तो वो 2 लेना पड़े, 2 कली लहसुन लेना पड़ेगा। ये बड़ी वाली लहसुन है 1 कली। इसे तलने के लिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइन में भी कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसमें, बाकी का तेल छन के निकल जाएगा बाद में। सबसे पहले मैं मिर्ची को हल्का सा लाल करूँगी, ज़्यादा नहीं, तुरंत निकाल लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे पचफोरन को, इसमें प्याज ऐड करूंगी, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस 3 मिनट इसे लाल करना है। 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पर रखना है, 2 से 3 मिनट तक इसे लाल करना है, ज़्यादा नहीं। इसे कलर चेंज हो रही है प्याज की। अब मैं इसमें 3 मिनट हो चुके हैं, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, फ्लेम मेरा पूरा हाई पे है। अब मैं इसमें आलू को ऐड करूँगी, अच्छे से मिला दूँगी। इसको ढकना नहीं है, खुला ही मतलब खोल के ही 2-3 मिनट इसे पकाना है। अभी पूरा हाई फ्लेम पे, फ्लेम को लो नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है। 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें ऐड करूँगी मैं 2 किलो की ये भाजी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस भाजी को ट्राई कीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपकी ये भाजी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत कम सामान में बहुत इजी, बहुत टेस्टी भाजी बनती है ये। इसमें ज़्यादा इस भाजी को मतलब ढकना नहीं है, देखिए जब ये आधा गल चुका है, काफ़ी गर्म है ये, पूरा अच्छे से नहीं गला है, आधा कच्चा है, आधा पक, ये आधा पकना बाकी है। अब इस स्टेज पे मुझे
इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। भाजी को मीडियम फ्लेम पे कर देना है, जब आधा गल जाए तब इसमें मैं एक टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अभी से थोड़ा मोटा कूट लूंगी, ज़्यादा महीन नहीं करना है, मोटा ही कूटना है। आप चाहे तो हाथ से भी मसल सकते हैं नमक देके, पर ये मिर्ची है तो हाथ में लगेगी। ये बहुत अच्छे से हो जाता है, बस ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया की पत्ती, इसे अच्छे से चलाऊंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है भाजी की, बहुत ही टेस्टी देखने में तो भाजी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। बस इस भाजी को ढक के ही पकाना है, खोल के पकाना है। दो से तीन मिनट फ्लेम को मीडियम रखना है, फिर हाई कर देना है। दो मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी। एक बात का ध्यान रखें, नमक जब भी डालें, जब भाजी अधिक पक जाए, आलू की भाजी, तब नमक डालें। पहले नमक डालने से क्या होता है, भाजी पहले ही सॉफ्ट हो जाती है और ये बहुत जल्दी दो टुकड़े में टूट जाती है, सब भाजी टूट जाएगी। भाजी जब आधी पक जाए तब नमक ऐड करेंगे। इस तरह से भाजी टूटेगी नहीं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी और सब भाजी खड़ी खड़ी बनेगी। जितना दिखने में खूबसूरत दिख रहा है, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होगा। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी 3 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे, ये भाजी हो चुकी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा तेल निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है। इस तरह डिश में जगह बना दीजिए, सब भाजी को साइड कर दीजिए। इसे 5 मिनट तक, 5-6 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए, जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो बहुत ईजी से निकल जाएगा। उसके बाद भाजी को मैं एक तरफ कर लूँगी। एक आइडिया ऐसा है तेल निकालने के लिए, देखिए कितने सारे बीच से तेल सब तरफ से छूट के आ गए हैं। एक आइडिया इस तरफ से, ये दूसरी आइडिया है। आप चाहे तो सब भाजी को एक तरफ कर दीजिए, इसे थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए इस तरह से। ऐसे भी भाजी के तेल जितने एक्स्ट्रा होंगे सब बहुत अच्छे से बाहर आ जाएंगे। इसे ऐसे करके 5 मिनट छोड़ दीजिए। देखिए जो एक्स्ट्रा तेल है सब बहुत इजी तरीके से बाहर आ चुका है। ये सब भाजी कितनी अच्छे से खड़े खड़े बनी है, कोई भाजी टूटा नहीं है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। भाजी बनके तैयार हो चुकी है, मैंने सोया की पत्ती से इसे गार्निश किया है। ये भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें अगर आपको मिर्ची ज़्यादा खाना हो तो अपने मिर्ची अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से ही मिलेगी। तो इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।